जालौन में दहेज की मांग करना दूल्हे और उसके परिजनों पर भारी पड़ गया। दहेज की मांग करने पर दुल्हन ने बगैर शादी किए बारात को वापस लौटा दिया। साहसी दुल्हन का यह कारनामा जालौन में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि जालौन के आटा थाना क्षेत्र के इटोरा निवासी धर्मपाल ने अपनी पुत्री का विवाह ग्वालियर निवासी शैलेंद्र के साथ तय किया था, जिसके लिए 20 नवंबर की तारीख तय की गई थी। विवाह के लिए ओरई कोतवाली क्षेत्र के एक विवाह घर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निर्धारित तारीख को बारात भी पहुंची और लड़की के परिजन बारातियों की आवभगत करने लगे। बारात की आवभगत एवं अन्य रश्म चल रही थी कि तभी दूल्हे और उसके परिजनों ने दुल्हन के पिता से अतिरिक्त दहेज की मांग कर दी, जिस पर दुल्हन के पिता ने असमर्थता जाहिर करते हुए अतिरिक्त दहेज देने से मना कर दिया, जिसके बाद दूल्हे और उसके परिजनों ने दुल्हन के पिता संग अभद्रता करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। ये बात जब दुल्हन को पता चली तो उसके बीच महफिल में जाकर शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लोगों ने दुल्हन को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन पिता की बेइज्जती और दहेज की मांग के चलते दुल्हन ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। बारात को दुल्हन के बगैर ही वापस लौटना पड़ा। वहीं जनाती और बाराती पक्ष से पुलिस के पास कोई तहरीर नहीं पहुंची, जिसके चलते पुलिस मामले से अनभिज्ञता जाहिर कर रही है। जालौन से अनिल प्रजापति की रिपोर्ट। लोगों ने आके हंगामा खूब मचाया। अच्छा, खूब पापा को जूते मारे, भैया को बंद करके मारा, खूब जूते मारे पापा को, कहते 6000 रुपए एक बार में दो। अच्छा। पापा की बेइज्जती हुई है, ऐसे ही चलो हमारी करेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं, हम तो अपने घर में रहेंगे, हमें नहीं जाना कहीं।